ऐसा क्या किया लवकेश कटारिया ने जिसके बाद बिग बॉस ने उनको फायर कर दिया अपनी जनता के एजेंट की पावर से, और कौन बनेगा जनता का नया एजेंट, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिग बॉस ने लवकेश कटारिया को जनता का एजेंट बनाया था, वो भी एक नहीं दो बार। लवकेश कटारिया का ये राज पहले भी खुल चुका था और सभी घर वालों को मालूम था कि जनता का एजेंट लवकेश कटारिया है, फिर भी बिग बॉस ने उसको दोबारा जनता का एजेंट बनाया। और लाइव फीड में हमने देखा कि बिग बॉस ने लवकेश कटारिया को कहा, जनता का एजेंट का कार्यकाल अब खत्म होता है, आपने इस पावर का जितना इस्तेमाल करना था वो आपने कर लिया है और बिग बॉस चाहते हैं कि अब ये पावर किसी और को दे दी जाए। तो आपको बता दें कि जनता की एजेंट की पावर फिलहाल किसी के भी पास नहीं है और बिग बॉस ने सभी घर वालों को एक टास्क दिया है और कहा है कि आप सभी एक एक करके मेरे पास आइए और बताइए कि आप जनता की एजेंट की पावर के लिए कितने योग्य हो। जिस किसी का भी रीजन बिग बॉस को सही लगेगा तो बिग बॉस ये पावर उसको दे देंगे। तो हमें लगता है कि जनता का एजेंट अरमान मलिक या तो फिर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अदनान शेख बन सकता है, क्योंकि अरमान मलिक सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज करता है घर के अंदर और अदनान शेख ने तो घर में आते ही झगड़े शुरू कर दिए हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि अदनान शेख और अरमान मलिक इन दोनों में से जनता का एजेंट कौन बन सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।